सबसे पहले तो आपने दूध को गर्म करने रखना है, तकरीबन आप हाफ लीटर ले लीजिएगा। ये देखिए हम चीनी डाल देते हैं, कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा दूध या पानी में आपने घोल लेना है। ये है सवैया डिलाइट, ठीक है। चले जी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा, इसलिए कि सवैया हम इसमें डालेंगे तो सवैया भी इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। चले जी, ये हो गया, ये देखें। अगर आपके पास क्रीम हो तो थोड़ी सी क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्राई करने रख देंगे, हमारे पास है जस्ट सवैयों को, ठीक है। सवैयों को करेंगे हाथ से क्रश। फ्राई करने के बाद मैंने कहा था इसके अंदर थोड़ी सी हम आइसिंग शुगर डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल दी। इसको ज़रा हाथ से ऐसे मिक्स करेंगे ना तब ज़्यादा अच्छा सा आ जाएगा। ये देखें, ये आइसिंग शुगर के साथ, ठीक है। ये मेरे पास है सवैया, ये हम इसके अंदर डालेंगे ताकि ये भी जब आप खाएँ तो आपको फीकी फीकी ना लगें, और फ्राई की हुई है हमने इसलिए, ठीक है। बस इतनी हो कि ये इतनी नज़र आए इसके लिए। थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया था, सही है। चले जी, अब बाकी को, अब पाइनएप्पल है हमारे पास, ये आपने साइडों पे आपने इस तरह से कर देने, सेम ये भी इसी तरह से। इसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे आपने यहाँ पर कोको पाउडर, गुलाब की पत्तियों को। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है थोड़े से नट्स हैं, इसको बारीक चॉप करके ये भी ऊपर से डाल देते हैं, और बेहतरीन किस्म का हमारा ये सवैया डिलाइट जो है रेडी हो गया, ठीक है। सवैया डिलाइट अज्जा, सवैया एक पैकेट, फ्रूट कॉकटेल एक कप, वनीला कस्टर्ड एक पैकेट, दूध 3 कप, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा।